सोनाली मैम हाय। हाय बेटा। हाय भैया। हाय बेटा। हाय ना अनुराग अंकल। नहीं बेटा, ओ भैया तो मैं अंकल क्यों, मैं भी अनुराग भैया। क्योंकि आप ना अंकल जैसे दिखते हो। आपको उन लोगों ने फोटो में इतना बकवास चेहरा बनाया, पर आप तो रियल में बहुत प्यारे हो। ये लीजिए चिरकुट जी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। बेरापुर ना अपुर फतेहगढ़ रामगढ़ कहाँ जा रहे हैं बोलो? अरे क्या पहले तांगा नहीं देखा? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ आपको मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी के बेटे, घर से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चल रहा। देखो मुझे बेसुल की बात करने की आदत नहीं है। यहाँ से बेलापुर रोड, बेलापुर से अभी रुकी ट्रेन स्टेशन पे रामगढ़ के। मुकद्दस तुम घर पे भी ऐसी बात करती हो बसंती जैसे? सर ये तो बहुत कम करी है, घर में तो सब परेशान है। परेशान आपसे? हाँ। ओह माय गॉड, समझ आया? आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर में पूरे 90 लोग हैं। पूरे 90 लोग? हाँ। 90? ओह बेसली 90। 100 में से 10 कम, 90। एक घर में रहते, एक छत के नीचे। हाँ इंदौर में, आशिक मियां का हर कहीं में पूछ लेना, आपको खुद ही दिख जाएगा। इंदौर में कहाँ पे? राज मोहल्ला, आशिक मियां का हर किसी जगह भी पूछ लेना, आपको लेके चले आएंगे। ए बाबू बोलो। बोल। सर ये बताइए, आपको उन लोगों ने फोटो में इतना बकवास चेहरा बनाया, पर आप तो रियल में बहुत प्यारे हो। कौन से फोटो में बकवास चेहरा है ये बता दीजिए, मैं वो फोटो फाड़ के फेंक दूंगा। बेटा आप सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी डरा सकते हो। अब हाँ आराम। कल मम्मी ने तुमको डांटा था ना? किस बात पे डांटा था? इसलिए क्योंकि मैं कल हंस रही थी। बहुत हंस रही थी और रुक नहीं रही थी हंसी। अच्छू ओ देख, जय माता। आई नहीं रही है, अटक गई है मेरी छींक, अब क्या करूं? अच्छी कर लो। अच्छी अब आ जाएगी। गुजरात में हर चीज के बाद करते लोग छू, आऊं छू, जाऊं छू, इसीलिए ऐसे कर रही है। वेरी नाइस, अच्छा था अभी, अच्छा था, वेरी नाइस। बंगाल में अलग छींकते हैं लोग, कैसे छींकते? अच्छी ओछी जाछी। अच्छा कैसे अरे देवा बिल्कुल नहीं जैसी, एकदम आइटम। सब सब्जे लोगे सामने कोई ऐसे ऐसे सुझवाने में सब। हाँ मैं बहुत बड़े लोगों को सब्जी बेचती है, अरे कौन है तो बड़ा कोई तभी अपने आप को बचा सकता है। अपना शक्ति बिल्कुल मैं ऐसे ही सब्जी लेता है, कहता है ए सजू अली मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ, आओ अच्छा अच्छा। ए सजू अली मेरे को सब्जी फ्री में दे दे, पैसा नहीं है। और सजू उसको सब्जी फ्री में दे दी, पता है क्या करता? क्यों था करिए उसको बच्चे के सब्जी देती, पता नहीं क्या ऐसा हरकत करता है। सबसे पहले तो ये बताओ आप सब्जी वाला हो या सब्जी वाली? वाली वाली या वाला? आपका नाम क्या है? प्रणीत। प्रणीत प्रणीत या प्रणीति? गर्ल हो? मैं बॉय हूँ लेकिन एक्टिंग करने गई थी। आपकी उम्र क्या है? 5 साल की। पाँच साल की उम्र में वो इतनी
काफी अच्छी मिमिक्री कर रहा है। पांच मतलब फाइव। बहुत भूख लग रही है मुझे, मैं तो जजिंग ही नहीं करूंगी जब तक मुझे केला नहीं मिलेगा। यस मैम, दे दूंगा, ये लीजिए चिरकुट जी। हे दुष्ट रावण, जिन्हें तूने अपनी इस लंका में कैद करके रखा है, छोड़ उन्हें वरना मैं तेरी इस लंका में आग लगा दूंगा। आपको मालूम है ना, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी और फिर उन्होंने पूरी लंका जलाई थी। यस मैम। अगर आपकी पूंछ में ऐसे हो गया तो मैं बुझा दूंगा। कैसे? पानी डाल के। आप रावण है? हाँ। अरे अभी हनुमान जी आपको ढूंढ रहे थे, वो लंका वंका जलाने का कुछ प्लान था, आप देख लीजिए, संभाल लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ले लीजिए। अरे वो मेरी लंका क्या जलाएगा, मेरे लंका के सामने तो आए, अभी देख लूंगा, पूछ निकाल के फेंक दूंगा। आपने इतना बढ़िया कॉस्ट्यूम बनाया, इतना बढ़िया कॉस्ट्यूम पहना है, किसने बनाया आपके लिए? बनाया नहीं है, मैंने रेंट पे लिया है। अच्छा, भाड़े का रावण। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग को दौरा पड़ता है ऐसे, हम लोग सुन हो जाते हैं। करो। आपको घर में क्या बोल के बुलाते हैं? आपको डैडी मम्मी क्या बोलते हैं, कैसे बुलाते हैं घर में? बेटा इधर आ। अरे बेटा निकनेम क्या है तेरा? बेटा इधर आ, सही बात है, और क्या बोले। ए जेनित, आप इतने कूल हो, इतने हैंडसम हो, आपकी ड्रेसिंग की स्टाइल इतनी फंकी है, तो आपकी तो गर्लफ्रेंड होती होगी ना कोई? हाँ होती है ना। हाँ, 5 years 4 months में आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? वन। क्या नाम है उसका? धरा। धरा, तो आप जब उसको बुलाते हो तो क्या करते हो? इधरा ऐसे बोलते हो? तो धरा इधर आना। धरा इधर इधर आना। मुझे तो प्रभु को समाचार देना था। हेलो प्रभु, मैं यहाँ पृथ्वीलोक पर स्वकुशल पहुँच चुका हूँ। अरे मेरा तो फोन ही कट गया, लगता है मेरा बैलेंस ही खत्म हो गया होगा। नारायण नारायण नारायण। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।